भोपाल में गैस त्रासदी को लेकर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा, 1984 में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल को आज डिजास्टर सिटी के रूप में पहचाना जाता है। भोपाल को डिजास्टर सिटी के रूप में नहीं पहचाना जाए, उसके लिए मैं कार्य योजना बनाकर काम करूंगा। आने वाले समय में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी वहाँ जो यूनियन कार्बाइड का मलबा है उसके कचरे को वैज्ञानिक तौर पर कैसे निष्पादित करें, उस दिशा में हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे और आने वाले समय में इस तरह की औद्योगिक त्रासदी ना हो और इसके लिए आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर अध्ययन भी करेगी। हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक स्मारक बने, पार्क बने, जो इस तरह की प्रेरणा दे कि इस तरह की औद्योगिक त्रासदी नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में हम काम करेंगे। भोपाल को डिजास्टर सिटी के रूप में पहचाना जाता है। भोपाल को डिजास्टर सिटी के रूप में नहीं पहचाना जाए, उसके लिए मैं कार्य योजना बनाकर काम करूंगा। आने वाले समय में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ यूनियन कार्बाइड का जो मलबा है, जो कारखाना लगा है, उसको वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हम उसके कचरे को निष्पादित करें, उस दिशा में हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। आने वाले समय में इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी ना हो और उसके लिए आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर अध्ययन भी करे, और हम चाहेंगे कि वहाँ पे एक स्मारक बने, एक पार्क बने, जो कि प्रेरणा देते रहे कि भाई इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी नहीं होना चाहिए, उसके दिशा में हम काम करें।